अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब खैर खरीत से अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज हम अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं, तो इनको जल्दी से दाना पानी कर लेते हैं ताकि फिर हम जल्दी से जाकर सिल्वर डब लेकर आ सकें, डायमंड डब लेकर आ सकें। तो चलते हैं उनकी तरफ लेने, उससे पहले जल्दी जल्दी हम इनको दाना पानी कर दें। तो ये मैंने उस दिन लगाई थी ऊपर, ये केस लैदा थी, एक्स्ट्रा थे उनसे लेकर आए थे किसी मकसद के लिए, मगर वो मकसद पूरा नहीं कर सके। तो मैंने कहा चलो ये ऊपर से बैठते रहेंगे। उस दिन मैंने देखे ऊपर से ऐसे बैठे हुए थे ऐसे जैसे दूसरे केजों में करते हैं उस तरह, क्योंकि असल दिन को इस तरह केज होते हैं। ये तो हमने जाली वाला केज बना दिया है, उन जैसा उनके लिए भी केज लेकर आएंगे। तो नीचे इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऊपर लेकर ही नहीं गए, मैंने पैंख एग्स वगैरह के लिए। तो कैल्शियम भी उन्होंने नीचे कहीं फेंक दी थी, दो बार मैंने उठा कर रखी है, ये कैल्शियम पड़ी रख दी इन्होंने। तो पानी इनको डाल दिया था, तो आप पानी बाहर निकाल देना, टाइम अच्छा हो गया तुमने जाना है, तो लेट भी हो सकते हैं तो पानी ठंडा ना हो जाए, उसके लिए पानी ये बाहर। पानी कर दिए तो खुराक तो इनको उस दिन डाल दी थी अच्छी खासी, तो इन्होंने चंगी देखें कितनी अच्छी खासी खा ली है। तो अब हम अपने फिंचेस की तरफ चलते हैं। तो माशाल्लाह जो हमारे फिंचेस हैं आपको मैं दिखाता हूँ, वो खा रही हैं नीचे बैठकर। वो है माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, अभी खा रही थी मुझे देख आई हैं। तो इनका हम जल्दी से दाना साफ़ करते हैं, देखें कितना ज़्यादा दाना गंदा हो चुका है। तो इतनी जल्दी साफ़ भी हो गया है, देसी तरीके से साफ़ किया है, दूसरे मशीन से साफ़ करते हैं तो हम देसी तरीके से साफ़ कर लेते हैं। तो ये देखें ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है, तो फिर जल्दी से इसको यहाँ रख देते हैं फिर से। तो ये भी न्यू न्यू है इसलिए इसका थोड़ा मसला बन जाता है, मगर अब इसको हम सेट कर लेते हैं। तो ये मेरे से डरती हैं बहुत ज़्यादा, देखें बहुत ज़्यादा ही डरती हैं। तो पानी भी इनको डाल दिया था, तो पानी ने बहुत ज़्यादा पी दिया देखें, तो ये पानी भी हम बाहर ज़ाया कर देते हैं। देखें कितना ज़्यादा दाना ज़ाया किया वे, तो ये बाहर देखें। तो ये साफ़ कर लिए, तो जल्दी से इसको भी रखते हैं। किस तरह रखना है ये यहाँ जगह ही नहीं है। अच्छा अच्छा इसको नीचे यहाँ से रखना, ये सेट हो चुका है। तो अब हम लेके आते हैं फिंचेस, तो जो हमारा माशाल्लाह बैंटम चिक्स है, तो जल्दी से आपको वो दिखा दूँ, उसका दाना पानी किया हुआ है। तो ये बैठ रुका हुआ है, माशाल्लाह इसको भी हम दाना पानी जल्दी से कर दें। तो माशाल्लाह दाना पानी इसको करती है, अब हम लेने चलते हैं सिल्वर डब। तो माशाल्लाह सिल्वर डब हम लेकर आ चुके हैं, तो इनको जल्दी से बंद कर दिए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था। तो ये भी माशाल्लाह न्यू न्यू हैं तो ये डर रही हैं, मगर आपको हम दिखाते हैं अभी। तो उससे पहले हम इनको दाना डाल देते हैं ताकि ये दाना खा सकें।
तो ये दाना डाला है, इसके साथ अभी बाजरा भी मिक्स करेंगे। माशाल्लाह, तो दाना भी मिक्स कर दिया है। तो दाना माशाल्लाह डाल दिए इनको। तो अब हम आपको दिखाते हैं अपनी फिंचिस, सॉरी फिंचिस तो इनकी ये ऊपर से डोली देख लेते हैं, नज़र आ रहा है आप भाइयों को, नज़र आ ही रहा होगा, कुछ भी नहीं है, आलम खाली है, मगर ये तो बहुत ज़्यादा डर रही हैं। तो माशाल्लाह ये हमारी ज़ेबरा, वो माशाल्लाह डायमंड अब तो खाने भी लग गई है, डायमंड के कोर पीस भी लेकर आएंगे उसके, उनके पास अब ये एक ही पीस अवेलेबल था, मैंने कहा चलो ये दे दो, उसके बाद मैंने नेक्स्ट ले लेते हैं। तो माशाल्लाह देखें, बताना आप भाइयों ने ज़रूर कि ये आपको पसंद आई है या नहीं। तो जो सिल्वर है वो आपको क्लियर करके दिखाता हूँ ताकि आप भाई भी ले सकें जो सिल्वर लेकर, ये सिल्वर होती है भाई साहब देख लें माशाल्लाह, ठीक है, ये सिल्वर वाइट टेल है, ठीक है, आपको ये वाइट टेल नज़र आ भी रही होगी। तो आपको सेट्स दिखाता हूँ, ठीक है, जो डायमंड होती है वो पिछली साइड वाली है, वो भी आपको दिखाता हूँ डायमंड भी, ये डायमंड है जो अंदर जाकर बैठ गई है, देखिए सिल्वर वाइट टेल है, ठीक है, ये भाइयों को नज़र आ ही रही होंगी सिल्वर, तो माशाल्लाह ये सिल्वर होती हैं, ये सिल्वर आपने ले रही हैं, डायमंड दूसरी हैं। तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, तो आप सब भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपके शेयर करने से कोई भी ब्लॉग देखे तो, ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। खुदा हाफिज़, मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ।